हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। मैं हूं नवीन और लेकर आया हूं आपके लिए म्यूचुअल फंड की टॉपिक के ऊपर एक और बहुत ही कमाल की वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एसआईपी मॉडिफिकेशन के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले और मैंने नोटिस किया कि जो एसआईपी मॉडिफिकेशन के ऊपर मुझे जो है ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना एसआईपी मॉडिफिकेशन की वीडियो पहले बना दी जाए और इस चीज को क्लियर कर दी जाए कि एसआईपी मॉडिफिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, और हो सकता है तो किन किन म्यूचुअल फंड में हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुझे एक बड़ा ही अजीबोगरीब कमेंट्स आया है, उस कमेंट्स के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा, वरना दोस्तों मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरा शायद मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा और मैं शायद बात ना कर पाऊं आपसे ज्यादा खुल करके। इसलिए उस टॉपिक पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि मुझे क्या कमेंट्स आया है और उस पर मेरा दिल किस तरीके से जो है हर्ट हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो है पूरी स्टडी, पूरा रिसर्च कर लिया है। एलएनटी की एसआईपी वगैरह जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती है। कोटेक की एसआईपी मॉडिफिकेशन जो है उसमें भी दोस्तों मुझे ऑप्शन नजर नहीं आया। अभी बात कर लेते हैं मुझे ऑप्शन कहां पे मिला है। दोस्तों सभी म्यूचुअल फंड खंगालने के बाद मुझे मिला है डीएसपी ब्लैक रॉक के अंदर। डीएसपी ब्लैक रॉक के अंदर एसआईपी मॉडिफिकेशन का एक ऑप्शन मिला है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी ऊपर एक येलो कलर में नोटिफिकेशन लिख के आ रही है कि अगर आप ये एसआईपी मॉडिफाई करते हैं तो उसे एक तरीके का कैंसलेशन ही माना जाएगा। तो दोस्तों टोटली म्यूचुअल फंड का कहना यह है कि एसआईपी मॉडिफिकेशन का मीन यह है कि आपकी जो रनिंग एसआईपी है वो हो रही है क्लोज और आप शुरू कर रहे हैं एक नई एसआईपी। तो जो पुरानी वाली एसआईपी है वो हो जाएगी बंद और नई एसआईपी जो आप मॉडिफाई करेंगे उसमें क्या मॉडिफाई आदमी हम और आप क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी डेट मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका अमाउंट जो हर महीने सिप में हमारी जा रही है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कई लोग हो सकता हो कि और कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, लाइक उसमें टॉपअप वाली फैसिलिटी चाहते हो, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको नई एसआईपी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो अभी आपको दोस्तों दिखाता हूं कि डीएसपी ब्लैक रॉक के ऊपर क्या ऐसा मैसेज फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों मैं अभी लेके चलूंगा वो डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के अंदर और बताऊंगा कि एसआईपी मॉडिफिकेशन इसमें किस तरीके से हो रही है और क्या मैसेज फ्लैश हो रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ऑनलाइन खोलने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। डीएसपी रॉक आरओसी के रॉक म्यूचुअल फंड आप टाइप कर दीजिए और टाइप करके इतना सर्च कर दीजिए, आपके सामने जो फर्स्ट वाली लिंक खुल के आएगी। जिस तरीके से मैं शुरू से ही दोस्तों मेरे पास ये बुकमार्क में सेव है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वहां से लॉगिन नहीं करूंगा। मैं आपको जैसे एक बिगिनर होता है ना उस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो अभी यहां से ले लिया दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में बना रखा है आपको सिखाने के लिए, कुछ मैंने ले भी रखा है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। दोस्तों मेरी जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है वो ऑलरेडी इसके साथ लिंक है, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके एंटर कर देना है। आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको दोस्तों कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको दोस्तों जाना है ये सिस्टमैटिक प्लान्स के अंदर जाते ही दोस्तों आपको नजर आएगी जितनी आपकी रनिंग एसआईपी है वो, ये देख लीजिए 3 नजर आ रही है। उसके बाद जो एसआईपी को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप मॉडिफाई नहीं होगी, होल्ड लगा हुआ है नए इन्वेस्टर के लिए और मॉडिफिकेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप उसको नहीं कर सकते कुछ भी, उसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों यहां पर सिर्फ कैंसिल लिख के आ रहा है, लेकिन अगर आप डीएसपी का स्मॉल एंड मिड कैप लेते हैं तो यहां पर आपको डाउन ड्रॉप जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर, तो आपको यहां पर देखिए सारी चीजें आ जाएंगी। स्टार्ट वन मोर एसआईपी, कन्वर्ट टू टॉप अप एसआईपी और इसमें मॉडिफिकेशन, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन का, तो एसआईपी मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं। एसआईपी मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों इंटरफेस खुल के आ गया, देखिए आपका सेम प्लान लिखकर आ गया। आपकी जो डेट थी पीछे, जो डेट थी वो 15 तारीख थी, मैं दिखा देता हूं फिर से। दोस्तों एसआईपी की डेट देख लीजिए यहां पर 15 तारीख है, और जैसे ही आप मॉडिफाई पे भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको 15 ही नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, एसआईपी की डेट यहां पर भी 15 आ गई। दोस्तों ये डेट आपके सामने आ गई और ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अभी दोस्तों मैं ये कुछ येलो कलर का मैसेज लिख के आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मॉडिफाइंग द एसआईपी विल बी रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ करंट एसआईपी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू एसआईपी। द मॉडिफाइड एसआईपी विल बी ऑलवेज बी रजिस्टर्ड एज ए नॉर्मल एसआईपी। और ये देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने स्टार लिख कर आ रही है। विल बी सब्जेक्ट टू बी करंट एग्जिट लोड स्ट्रक्चर, नो सेपरेट विलर रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ऑफ एसआईपी। दोस्तों ये कहने का मतलब ये है इसका कि ये जो एसआईपी आप मॉडिफाई कर रहे हैं ये एक तरीके से कैंसिलेशन ही होगा और आपकी जो नई एसआईपी है वो एक्टिवेट हो जाएगी।
तो दोस्तों देख लिया आपने, और यहां पर दोस्तों जो डेट है वो भी हम इसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी डेट हम सिर्फ हम किस में मॉडिफाई कर पा रहे हैं, अमाउंट के अंदर, ये देख रहे हैं अमाउंट आप कुछ भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उसकी डेट चेंज कर दें, उसका जितना फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है आपको अगर SIP मॉडिफिकेशन करनी है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सीधा इस SIP को कैंसिल ही कर दीजिए, तो उसमें आपको जो है दोबारा से पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे यहीं पर। क्योंकि दोस्तों कैंसिल SIP का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल SIP करिए, और ये देख लीजिए बस यहां से कैंसिल SIP करते ही आपकी जो SIP है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, और बस वहां से आपका जो SIP है उसका जो पैसा है वो जाना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने SIP मॉडिफिकेशन में जो है आपको म्यूचुअल फंड बहुत सारे ऑप्शन नहीं देती है। पहली बात तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है लाइक L&T कोटेक और वो और भी हैं एक दो जो कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन का ऑप्शन जो है प्रोवाइड नहीं कर रही है। आपको अगर कोई SIP मॉडिफाई करनी है तो उसका एक सिंपल फंडा इन्होंने बना रखा है कि पुरानी SIP को कैंसिल करिए, सेम वही SIP आपकी मनचाही डेट के ऊपर दोबारा से चालू कर लीजिए। तो दोस्तों यही थी SIP मॉडिफिकेशन। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना स्टडी किया उसके हिसाब से SIP मॉडिफिकेशन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा जिससे आप फ्री होकर के अपनी मनचाहा जो चीजें हैं वो मॉडिफाई कर सकें। इसलिए मेरी सजेशन ये रहेगी अगर आप SIP मॉडिफिकेशन की सोच रहे हैं तो सीधा सीधा अपने SIP को कैंसिल कर दीजिए, सेम वही SIP अपनी मनचाही डेट पे, अपने मनचाहे अमाउंट पे सारी चीजें जो हैं वो कर लीजिए, सिंपली हो जाएगा। और भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक मुझे दिए हैं आप लोगों ने, मेरे दिमाग में है, मैंने नोट करके रखे हैं, सॉरी मैं माफी चाहता हूं आपके लिए फटाफट वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। इसी तरह वीक में एक या दो वीडियो तो आप मेरी तरफ से 100% आएगी, जब मैं छुट्टियों पर रहूंगा टाइम ज्यादा मिलेगा तो आपके लिए कंटिन्यू वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। दोस्तों आप प्लीज इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। आज हमारी फैमिली में दोस्तों 7000 सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अगर इतनी छोटी सी चीज को लेकर आपको सिखा रहा हूं और आपकी तरफ से इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। अभी दोस्तों बात करूंगा उस मैसेज की कि मुझे क्या मैसेज मिला और उस पे मेरा रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। तो ये मैसेज दोस्तों आप मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये उमेश थाले जी हैं, ये मुझे बोलते हैं, बड़े ही प्यार से मुझे गालियां दे रहे हैं, अबे तू बेवकूफ है, चुप बैठ, लोगों को चूतिया बना के वीडियो को लाइक पे पैसे कमा रहा है। ये इनका था दोस्तों, इनकी जो फर्स्ट मैसेज थी वो आई थी, आज ही आई है दोस्तों 11 घंटे पहले जो है, ये 11-12 घंटे पहले दोस्तों ये जो मैसेज मुझे आया था। तो सबसे पहले तो मैं इनको गालियां नहीं दूंगा क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि किसी को गालियां देने से कोई महान नहीं हो जाता है। अपने काम अच्छे रखिए, आप वैसे भी महान कहलाएंगे, छोड़िए वो सब बातें। दोस्तों मैं सबसे पहले इनकी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब के ऊपर अर्निंग नहीं होती है। वीडियो की लाइक करने से होता क्या है वो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोल देता हूं कि वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों के पास फैलेगी। तो आप खुद सोचिए कि अगर हर बंदा जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख रहा है, कोई LIC को इन्वेस्टमेंट समझ रहा है, उसको अगर ये सब इन्फॉर्मेशन मिले तो अपने कितने अच्छे तरीके से अपने पैसे को मैनेज करके बढ़ा सकता है। लेकिन उमेश जी का कहना है कि मैं लाइक्स इसलिए करवाता हूं कि मुझे पैसे मिलते हैं आपसे। चलिए इनका दूसरा भी मैसेज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उमेश खाले जी का जो दूसरा मैसेज है वो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। दोस्तों ये इंसान सिर्फ वीडियो के लाइक पे पैसे कमाने का मकसद है, इसे कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी वीडियो को लाइक ना करे। तो इनका कहने का मतलब है मुझे नॉलेज नहीं है, सही बात है, मेरे पास कोई नॉलेज का समुन्दर नहीं है, एक लिमिटेड नॉलेज है जो मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट करते करते ही इतनी नॉलेज गेन किया हूं जितनी आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं जितना मेरे पास है। मैंने कोई अलग से कोर्स या डिग्री नहीं करी हुई, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं, फिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है। और मैंने ये चीज बता दी कि वीडियो लाइक करके पैसे नहीं कमाए जा सकते, वीडियो पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं अपने वीडियो के ऊपर। दिल थोड़ा सा दुखा है दोस्तों इस मैसेज को पढ़ने के बाद, तो आपको थोड़ा सा बताना भी जरूरी है कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो मैं भी अब दिखाता हूं कि मैं पैसे अगर कोई कमा सकता है यूट्यूब से तो कैसे कमा सकता है। दोस्तों ये रहा फंड गुरुजी का चैनल, आपके सामने है ना, ये भी रिसेंट वीडियो जो थी मैंने डाली थी आपके सामने दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों कम्युनिटी के नीचे, कम्युनिटी में मैसेज होते हैं और चैनल के ऊपर मेरे चैनल की डिटेल होती है, तो चैनल के अंदर चलते हैं दोस्तों, यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे दिखाई दे रहा होगा, चैनल में आ गए दोस्तों।
चैनल में आते ही दोस्तों क्या दिखे, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, अपलोडिंग मेरा एनेबल्ड है, सब कुछ एनेबल्ड है, लेकिन दोस्तों मोनेटाइजेशन ये जो कॉलम है ये मेरा एनेबल्ड नहीं है। इसका मतलब यही होता है दोस्तों तो कि मैं जो है अपनी वीडियोस के ऊपर जो है वो एक रुपए भी कमा नहीं सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने अपना ये नहीं सोचा कि मुझे अर्निंग हो रही नहीं हो रही है, मैं अपना टाइम दे रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, कभी नहीं सोचा दोस्तों। वीडियो अपलोड करी, अभी देखिए दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू है, यानी कि मैंने जितनी भी यूट्यूब की टर्म्स और कंडीशन थी वो सारी पूरी कर रखी है, लेकिन मेरा जो चैनल है वो अभी भी अंडर रिव्यू है। ये देख लीजिए दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत थी, 7000 हो गए हैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से, और दोस्तों 4000 घंटे की जरूरत थी, 16000 घंटे हो रखे हैं, 16810 घंटे हो रखे हैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों यही था, अगर ये मोनेटाइजेशन ऑन होगा उस दिन से मुझे सीपीसी जो होती है सीपीसी क्लिक पर कॉस्ट वो 0.01 डॉलर मिलेगा, यानी कि एक पैसा डॉलर जो होता है ना वो मिलेगा आपकी जो भी मेरी अर्निंग होगी। तो आप खुद सोचिए कि अगर मुझे 10,000 व्यू भी एक वीडियो पे मिल जाते हैं तो मैं कितना अर्न कर लूंगा, $5 $4, ये इससे पूरे महीने में अगर मैं $4 $5 अर्न भी कर लेता हूं तो कौन सा कद्दू में तीर मार लूंगा, आप खुद थोड़ा सा सोच के बताइएगा। मेरे को ऐसा मोटिव नहीं है, दिल तो ऐसा कर रहा था कि इस चैनल को क्लोज क्यों ना कर दूं, लेकिन फिर ये सोच रहा था कि नहीं, मेरे को इतने लोगों से जो लगाव है प्यार है वो कहां जाएगा, वो लोगों को कितनी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मैंने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी थी लोगों को ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में हेल्प करने की और मैंने बीच रास्ते में ही उनको धोखा दे दिया और छोड़ दिया, वो मेरे लिए धोखा होगा, ये मेरे लिए धोखा नहीं है। मैं दोस्तों मेरा एक मेल था मेरे जीमेल आईडी के अंदर आई हुई थी, मैं आपको दिखा सकता था कि मुझे कंपनी की तरफ से ऑफर आई थी कि आप मेरे कुछ पैसे ले लीजिए, लाइक 20-30,000 रुपए ले लीजिए और प्रमोट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर मैं चाहता तो बहुत सारी जो इनकम है वो कर सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने उस बंदे को सीधा मना कर दिया। मेरी खुद की सैलरी है, मेरी 35-40,000 रुपए मेरी खुद की पेमेंट बन जाती है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना बुरा नहीं है कि मैं छोटी छोटी चिल्लर हरकतों करके आपको धोखा देकर के आपकी बद्दुआएं अपने ऊपर लूं, मेरे बच्चे का सही सलामत उस पैसे को खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। मैं अगर कुछ किसी से कुछ पेड रिव्यू करूंगा भी तो आपको बताऊंगा कि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये मैं फलाना वेबसाइट से ऐसे प्रमोशन के तौर पे कर रहा हूं या नीचे लिख के दूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हर चीज जो हर बंदे को एक ही निगाह से नहीं देखना चाहिए। चलिए जो भी हो, उस बंदे को जो बोलना था उसने बोल दिया और मेरे दिल में जो तकलीफ थी मैंने आपसे शेयर करी, और बस आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूंगा, अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है दोस्तों आप जान चुके हैं, और आप किसी और को भी पूछ सकते हैं कि वीडियो को लाइक करने से कोई पैसे नहीं कमाता है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, तभी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। फ्यूचर में दोस्तों बहुत कुछ लेके आऊंगा, मुझे जब जब टाइम मिलेगा, जब जब मैं फ्री हूंगा ना, तो बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। म्यूचुअल फंड का पूरा जितना मेरे पास नॉलेज है सब आपको बताऊंगा, एक एक म्यूचुअल फंड परचेस करके बताऊंगा आपको। बेशक मेरे को थोड़ा सा पैसा कहीं लगाना पड़ जाए कोई इश्यू नहीं है, बाद में मैं रिडीम कर लूंगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं हर चीज आपको बताने वाला हूं। रिलायंस भी खरीदूंगा, एलएनटी भी खरीदूंगा, हर चीज आपको खरीद के बताऊंगा, लमसम एसआईपी कैंसिल मॉडिफिकेशन टॉपअप सब कुछ करके बताऊंगा दोस्तों, एसटीपी और जो भी लिक्विड फंड है सब कुछ करके आपको बताऊंगा। बस आप चैनल के साथ में बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।